प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुंदरू की सब्जी बनाना बताएंगे, तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। हमने 500 ग्राम कुंदरू ले लिया है और इसे अच्छी तरीके धुल लेते हैं। इस समय कुंदरू का सीजन चल रहा है, तो कुंदरू मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो कुंदरू को अच्छी तरीके हमने धुल लिया है, अब इसे हम काट लेते हैं। कुंदरू के किनारों का हिस्सा काटेंगे और इसे पतले पीस में काट लेते हैं। ये देखिए, कुंदरू की सब्जी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर से जरूर बनाइए और खाइए, कमेंट बॉक्स बताइए। तो ये हमने कुंदरू को इस तरीके काट के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, दो बड़ी साइज प्याज बारीक काट लिए हैं, 5-6 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 1 हरा मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा अदरक ले लिए हैं। मसालों में 1 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाले अच्छी तरीके फूल के तैयार हो जाएं। कढ़ाई में 1 कलछुल सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है, तेल को चारों तरफ फैला देते हैं। कुंदरू को हम फ्राई कर लेते हैं, गैस को फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसे हम इस तरीके चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। दो मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं, तब तक हम लहसुन की कलियां और अदरक को ओखली में कूट लेते हैं। 2 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। अब इसे हम इस तरीके चला देते हैं। कुंदरू अच्छी तरीके फ्राई हो गया है, ये देखिए कलर काफी चेंज हो गया है, सुनहरा कलर हो गया है। ये देखिए, कुंदरू अच्छी तरीके भून के तैयार हो गया है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। सभी कुंदरू हमने थाली में निकाल लिया है। अब हम वही कढ़ाई में थोड़ा सरसों तेल और डाल देते हैं। तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है, चुटकी भर हींग डालेंगे। एक चौथाई चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। मेथी के दाने और जीरा को चटकने देते हैं। मेथी के दाने और जीरा बढ़िया से चटक चुके हैं। कटी हुई प्याज हरा मिर्च डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके भून लेते हैं ताकि इसमें का कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है, अब हम कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरीके भून लेंगे। इसे हमें सुनहरा कलर तक भूनना है। प्याज अदरक लहसुन अच्छी तरीके हमने भून लिया है, सुनहरा कलर हो गया है। अब हम मसाले डाल देते हैं, मसाले भी अच्छी तरीके फूल गए हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब हम मसाले अच्छी तरीके भून लेते हैं। मसाले हमें इतना भूनना है कि जब तक मसालों में से तेल न छोड़ने लगे। मसाला अच्छी तरीके भून गया है, ये देखिए चारों तरफ तेल छोड़ने लगा है मसाला। अब हम पानी डाल देते हैं। पानी हम कम डालेंगे इसलिए कि कुंदरू की सब्जी गाढ़ी अच्छी लगती है। ग्रेवी उबलने लगी है तो इसमें हम फ्राई किया हुआ कुंदरू डाल देते हैं। अब हम अच्छी तरीके मिला देते हैं। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं, गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि अच्छी तरीके सब्जी पक के तैयार हो जाए। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। कुंदरू की सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। आज की कुंदरू की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कोई गलतियां हो माफ करिए। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, आइए अब सर्व करते हैं। तो आज की कुंदरू की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए।
ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरीके कुंदरू की सब्जी बनाएंगे तो बच्चे से बूढ़े तक बहुत ही पसंद करेंगे। तो इस तरीके कुंदरू की सब्जी जरूर से ज़रूर बनाइए और खाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ में हेल्दी भी है ये सब्जी। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।